अरे बाप का नाम लेने से क्या होगा, बाप के लिए कुछ काम करके तो दिखाइए। आप इसकी परवाह ना करें कि आपकी बातों को कौन सुनेगा नहीं सुनेगा। तो अगर सफलता बड़ा चाहिए तो अपने आप को गलाना पड़ेगा। आजकल आदमी अनाज कम ईगो ज्यादा खा रहा है। ये अभी आपको बताया जा रहा था कैसे हम अपने जीवन को संवारे। हम लोग हर रविवार को चाहते तो हैं कि सबको अच्छा बना दे। हम लोगों के बस चले तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर से ज्वाइनिंग लेटर मंगवा के आपको दे दें, लेकिन वो भी मिल जाएगा तो आप खुशहाल नहीं रहिएगा। कई भाई इस बात से खुश हो गए कि चलो माइक बिगड़ गया। ये भारत का युवा है, खुश था, मुस्कुरा रहा था, ये नहीं सोच रहा है कि गायत्री परिवार में नहीं आओगे तो तुम्हारा किस्मत बिगड़ जाएगा। ये सोच के दुखी नहीं है, ये सोच के खुश है कि माइक बिगड़ गया। बढ़िया है भाई, मजा लीजिए, जिंदगी इसी का नाम है। नहीं, यहाँ आने का उद्देश्य है कि हम तो बेहतर बने ही, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी बेहतर बनाए। गांव में लगभग लोग छठ में गए होंगे, छठ में गए, इस बार जो हम लोगों ने फील किया, घाट पर हो या घर पर हो, किसी को किसी से मतलब नहीं है। सब दिखावा में लगा हुआ है, हम बड़ा तो हम बड़ा। बढ़िया से घर को सजा दिया गया है, वो घर पर कोई नहीं आ रहा है, एगो कुर्सी पर अपने बैठे हुए हैं, दूसरा पर टांग रखे हुए हैं। अरे भाई, पहले मिट्टी का मकान होता था, छप्पड़ का मकान होता था, 10 आदमी दरवाजे पर बैठता था, प्यार की बातें होती थी, एक दूसरे से हिलते मिलते घुलते थे। आजकल क्या हो गया है, आजकल आदमी अनाज कम ईगो ज्यादा खा रहा है, और बच्चा सब अन्न कम डाटा ज्यादा खा रहा है। आप लोग भी डाटा ज्यादा खा रहे हैं। ये अलग दुनिया चल रहा है, अलग तरीके से चल रहा है। ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में डाइवर्सन है, और तब सोचते हैं कि सफलता बड़ी चाहिए। अगर बिल्डिंग बड़ा बनाना होता है तो इसके नीचे नींव को बहुत गहराई तक खोद के डालना पड़ता है। तो अगर सफलता बड़ा चाहिए तो अपने आप को गलाना पड़ेगा। उस नींव का कोई कीमत नहीं होता है, कोई देखता भी है नहीं देखता है, लेकिन आज इतनी मजबूत बिल्डिंग बनी हुई है, उसी नींव पर टिकी हुई है, जिसको कोई नहीं देखता है। तो जो दिखने वाला होता है वो मजबूत तब दिखता है जब उसके अंदर काम किया जाता है। सफलता बड़ी चाहिए तो तपना तो पड़ेगा, और तपने का नाम ही भारत का अध्यात्म था। संघर्ष जितना ही लंबा होता है, सफलता उतना ही शोर मचाती है। यह हमेशा याद रखिएगा कि संघर्ष जितना बड़ा आप करेंगे, सफलता उतना ही शोर मचाती है। आज युवा प्रकोष्ठ जहां आप बैठे हैं, बहुत सारे हमारे भाई नुक्कड़ सभा में जाते हैं, बताते हैं, तो आजकल तो पता नहीं रोड पर चलने वाला 90% लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो, कान में ठेपी डाल के घूमता है। ठेपी समझते हैं ना, ईयरफोन। वो अपने दुनिया में मस्त है, भोजपुरी गाना लगाया है, हिंदी गाना, इसे इसे पगला नियन कर रहा है। उसको करंट का शॉट देना पड़ेगा, उसको दियाता है ये गायत्री परिवार का। ये सब से क्या होता है, ये सब क्या होता है, आराम से ऐसे ऐसे मोड़ लेता है, अच्छा ठीक है देखते हैं। उसी में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जब तनाव के समय में अचानक दिमाग काम नहीं कर रहा था, घर पर गए, चाचा पूछे क्या हुआ, रिजल्ट हुआ ना, फॉर्म भरे थे, 3 गो भरे थे, 2 गो में फेल हैं, 1 गो में गईबे नहीं किए, टॉर्चर किए। तब याद आया कि रास्ते चलते कोई गायत्री परिवार का व्यक्ति मिला था, जो दिया था कि आइएगा तो विल पावर, कॉन्सेंट्रेशन, IQ बढ़ाया जाएगा। अब खोज रहा है, खोज के निकाला एड्रेस, आके यहाँ बैठा है, बैठा हुआ है। वो जिसको ऐसे ऐसे करके, आप इसकी परवाह ना करें कि आपकी बातों को कौन सुनेगा नहीं सुनेगा। एक टीचर पढ़ाते समय क्या अपने क्लास में इस बात की परवाह करता है कि इसमें से कितने रिजल्ट देंगे और कितने नहीं देंगे, उसको कोई परवाह नहीं है। सूर्य प्रकाश देते समय परवाह करते हैं कि कितने लोग बैठ के हमारा प्रकाश से अपने हड्डी को मजबूत बनाएंगे। सूर्य से क्या मिलता है, विटामिन, उनको चिंता है। आपको मन है सूर्य के सामने बैठिए, नहीं मन है आपका घुटना घिस जाएगा, डॉक्टर आपका धोके बदल देगा हड्डी, पैसा होगा तो बदलाएगा, ना तो लाठी पर चलिएगा, वो भी नहीं होगा तो बेड पर पड़े रहिएगा। इसकी चिंता ना करें कि हमारी बातों को कौन सुनता है।
लेकिन इसकी परवाह जरूर करें कि एक बेटा के रूप में, एक बेटी के रूप में हम अपने आप को प्रत्येक दिन कितना बेहतर बना रहे हैं, एक बेटे के रूप में, एक बेटी के रूप में हम कितने आदर्श को अपना रहे हैं, कितने अच्छे चीजों को अपना रहे, कितना इमोशनल अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इसमें से लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो साधारण परिवार के हैं, वो देखने से पता चलता है। 95% लोग साधारण परिवार के हैं। आप जब छठ के बाद यहाँ आने का प्रयास किए होइएगा, जब आना शुरू किए होइएगा, दुर्गा पूजा से लेके और छठ तक जो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई है, आपके पिता को यहाँ भेजने में कष्ट हुआ होगा, आपके पापा को यहाँ भेजने में दिक्कत हुआ होगा, फिर भी आप आकर क्या किए, मैच देख रहे हैं कि आज नीदरलैंड साउथ अफ्रीका के हरा दिया, अब या तो बांग्लादेश सेमीफाइनल में जाएगा नहीं तो पाकिस्तान जाएगा, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल से छट गया। अब कहीं अगर पाकिस्तान गया और न्यूजीलैंड को हरा दिया तो फिर मजा आएगा, 13 तारीख को भारत पाकिस्तान का फाइनल देखेंगे। क्या कल्पना है, क्या गणना है, ये कभी सोचे कि इस दुर्गा पूजा में पिताजी को बहुत परेशानी सहना पड़ा, घर से आते समय माँ को फिर दूसरे के दरवाजे पर जाकर वहीं हाथ पसार के 4000 रुपया मांग कर देना पड़ा। आप जो समीकरण भारत पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का बैठा रहे हैं, उस समीकरण में अगर अपने परिवार के समीकरण को बैठा दीजिए कि पिछला भी दिवाली उसी तरीके से कोविड में बीता, कोविड समाप्ति के बाद भी दिवाली संघर्ष में बीता और छठ का ठेकुआ तो मिला लेकिन घर से आते समय माँ को हाथ पसार के किसी से 2 पैसा मांगना पड़ा। हम सशरीर युवा हैं, जवान हैं, हम संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, पटना में होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, फिर भी आज मेरी माँ संघर्ष कर रही है, नहीं ये समीकरण आता ही नहीं है। और हम कहेंगे, पूछा जाएगा आपका घर कहाँ है, फलाने जगह, किसके बेटा है, गर्व से माँ बाप का नाम लेता है, पिताजी का नाम ये है। अरे बाप का नाम लेने से क्या होगा, बाप के लिए कुछ काम करके तो दिखाइए। उस बाप के नाम से आज तक दुनिया आपको जानती रही, बेटा और बेटी जो भी है आज तक आपको किसके नाम से जाना गया, आपके पिता के नाम से। आज से आप संकल्प लेकर जाएं कि मैं इतनी ईमानदारी से काम करूंगा कि साल, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल आते आते पूरे इलाके में मेरे नाम से मेरे पिता के नाम को जाना जाए। इसको कहते हैं औलाद, इसको कहते हैं संतान। नहीं, हम भारत का मैच देखेंगे, जिम्बाब्वे से जीत रहा है कि नहीं, कोहली जीते या हारे, करोड़ों रुपया का मालिक है रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी खेलना छोड़ दिए हैं, क्या कटोरा लेके घूम रहे हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बदौलत, परिश्रम के बदौलत जो चीजों को अर्जित किया है उससे वो आगे बढ़ रहे हैं। और हमको जिस समय, जिस क्षण परिश्रम और पुरुषार्थ करना चाहिए, हम रियल हीरो बनने के बजाय रील के हीरो का आकलन कर रहे हैं, रील्स पर बैठ के घंटों समय बर्बाद कर रहे हैं। इसी को अध्यात्म संभालने का काम कर रहा है, जिसको संयम के बारे में भाई विकास जी अभी बताए थे। ये क्या है, संयम है। गायत्री की साधना मनुष्य के मस्तिष्क को इतना संयमित कर देता है कि वो अपने 24 घंटा के रूटीन को ईमानदारी से फॉलो करता है। वो हर क्षण सोचता है, आप जाते हो आईना के सामने, खड़ा होकर अपना जुल्फ संवार लेते हो, लेकिन कभी जिस आईने में चेहरा दिखा उसके अंदर के फितरत को नहीं देख पाते हो। अब क्यों केवल चेहरा देखते हो, यहां दाग लगाया धब्बा, वो हट जाएगा। सबसे बड़ा आज का दाग और धब्बा बेरोजगारी का है, उसको हटाने का प्रयास करो। उस आईना के सामने केवल चेहरा नहीं देखो कि मैं कौन हूं, ये देखो कि मैं किस लिए आया हूं, मेरा काम क्या है। जब पूछिएगा उसमें से मैं कौन हूं, तो वो बताएगा आप एक साधारण परिवार से आने वाले ऐसे संघर्षशील युवा हैं जो अपने परिवार में ईमानदारी से मेहनत करके अपने माँ बाप के कष्ट को दूर करेंगे, अपने जीवन को शानदार बनाएंगे और अपने फ्यूचर में आने वाली हर संघर्ष में सफलता की कहानियां लिखेंगे। नहीं, ये बिहार के युवा को आता नहीं है। क्या आता है, छठ घाट गए थे, बहुत भीड़ था, भाभी के साथ सेल्फी लिए थे, जा लोल कहीं का, इतने में खुश है, मम्मी के साथ सेल्फी लिए थे। बढ़िया बात है, सेल्फी लीजिए, अच्छा बात है, लेकिन मम्मी के तकलीफ जानने का प्रयास किए नहीं, पापा का पैर छू के प्रणाम किए थे, अच्छा बात है, आदर्शवादी बेटा बेटी हैं आप लोग, संस्कारवान है, छूना भी चाहिए। हमारे राष्ट्र में प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, रघुनाथ उठते थे भाई, चारों भाई समेत
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, यह हमारा संस्कार है। लेकिन जब झुक के आपने देखा, प्रणाम किया, तो पिताजी से पूछा कि पापा आशीर्वाद के साथ थोड़े संघर्ष की कहानी भी मुझे बता दीजिए, ताकि हथियार बनाकर आपका बेटा आपकी बेटी लेकर जाएगा और जिसका बाप इतना संघर्ष करता हो उसका बेटा अपनी जवानी को लड़ाएगा, उसकी बेटी अपनी जवानी के दम पर इस संघर्ष को समाप्त करेगा। आशीर्वाद तो पूरा मांगते हैं, दे दीजिए आशीर्वाद, भोला बाबा से आशीर्वाद, माँ बाप से आशीर्वाद, गायत्री माता से आशीर्वाद, गुरुदेव से आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने में तो आप लोगों का अगर कहीं सुरक्षित रखा जाए तो टन के टन आशीर्वाद लेके एकदम स्टॉक कर लिए हैं। करने की बात कही जाए, गए थे लॉज में, दूगो के सुनाए, कहा कि सब फालतू काम है, हम भी डाइवर्ट हो गए भैया। तो ये लोग बैठा है ना, तो नाम रखते कि जो हर व्यक्ति के बात पर डाइवर्ट होता है उसको क्या कहते हैं। इन लोगों के सामने कहना उचित नहीं है, आपको कोई डाइवर्ट कर देता है। अरे दुनिया में युवा उसे कहते हैं जो दांतों चने चना चबवा दे, दांतों तले चना चबवा दे,